स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड के अंदर हम विद्वान और पंडित की बात कर रहे थे कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को विद्वान तो बना रही है, लेकिन वो विद्वान कैसा? अहंकारी विद्वान, हर विषय का जानकार। ये कहता है मेरे पास डिग्री है, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। विशेष अधिकारी उस विषय की वो बात सुनना नहीं चाहता है। डॉक्टर कहता है कोई बात आपकी तरफ से सजेस्ट करो अच्छी बात, डॉक्टर कहता है डॉक्टर मैं हूं या आप हो, आपकी बात को नकार जाता, आपको चुप कर देता है, चाहे आप कितनी बात उसको बताओ। इस तरीके से इस शिक्षा ने लोगों को अहंकारी बनाया है, जबकि पुराने वेद शिक्षित लोग, हमारे माता पिता जो कि 10-10, 12-12 संतान का पालन करते थे, वो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी पोसाल में नहीं गए, थी नहीं ये, उन्होंने अपने अनुभव से, अपने निरंकारी रह करके प्राप्त किया, सूझबूझ से प्राप्त किया, पंडित बनकर के प्राप्त किया, प्रज्ञा से प्राप्त किया। ये दो बड़े, जिसका अर्थ क्या हुआ, इतनी शिक्षा दी, इतना ज्ञान डेवलप कराया, अहंकारी बनाया। तो उनको वापस निरंकारी बनाना पड़ेगा, उनको पूर्व स्थिति के अंदर गुरुकुल एजुकेशन में ले जाओ, हमारे माता पिता से उसको कंपेयर करो, हमारे बुजुर्ग लोगों से कंपेयर करा के उनको पुनः पंडित बनाओ, जो ज्ञान आपको मिला है, ताकि हम सोसाइटी में अहंकार को खत्म करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब मनुष्य से अहंकार चला जाएगा, मुक्ति को जाएगा। हम ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी से अहंकार चला जाए तो सोसाइटी भी अहंकार मुक्त हो जावे और एक वसुधैव कुटुंबकम बन जावे। स्वामी जी, प्रकाश डालिए, हमको कृतार्थ कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात सही है, आज की जो शैक्षणिक फिलॉसफी है वो डॉक्टर बना सकता है, चार्टर अकाउंटेंट बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, सिविल इंजीनियर बना सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बना सकता है, आईटी का प्रोफेशनल बना सकता है, हर फील्ड में वो मास्टरी प्राप्त कर सकता है, ऐसा एजुकेशन का फील्ड आज विद्यमान है। मगर आज की शिक्षण प्रणाली इंसान को इंसान नहीं बना सकती, इंसान को अहंकारी बना सकती है, इंसान को स्टेटस और डिग्री वाला बना सकती है, इंसान को शायद पैसा वाला भी बना सकती है, मगर इंसान को इंसान नहीं बना सकती है। क्योंकि ये सब बातें पैसे को प्राधान्यता देके लोगों ने जो मूलभूत कला थी, मूलभूत संस्कार था, मूलभूत विकास था, वो एकदम उसकी वैल्यू डी कर दिया और वहां फोकस ही नहीं दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ताज महल को बनाने वाला कोई सिविल आर्किटेक्ट नहीं था, अजंता इलोरा की गुफा ने बनाने वाला कोई सिविल आर्किटेक्ट नहीं था, और माउंट आबू के अंदर वस्तुपाल तेजपाल के मंदिर बनाने वाले भी सिविल आर्किटेक्ट नहीं था, फिर भी दुनिया की महान कला जो आज पूरे विश्व भर में मशहूर है, विश्वविख्यात है, उस समय उन्होंने उसी जमाने में इतने अल्प साधनों से, मगर अपनी विचक्षण बुद्धि से, अपनी क्वालिटी वाली बुद्धि और ज्ञान से उन्होंने ये बनाया है। आप समझो क्वालिटी क्या होती है। शिक्षण से क्वांटिटी प्राप्त कर सकते हैं, क्वालिटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षण से डिग्री और पैसा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षण से इंसान नहीं बना सकते हैं। जो इंसान अहंकार का साथ जुड़ा हुआ है, जो इंसान पढ़ाई करके, पैसे से पढ़ाई करके हाउ टू मेक मनी जानता है, इसमें इंसानियत नहीं होती है। क्योंकि उनका जीवन ही पैसे से गुजरा है, पैसे खर्च करके पढ़ाई करना और बाद में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके बाद वो पैसा प्राप्त करना, यही वो ज्ञान जानते हैं। अगर मैंने जीवन में पढ़ाई करने के लिए 25-50 लाख खर्च किया है, मैंने यानी मेरे माता पिता ने, लोन लेके कहो, कैसे भी कहो, तो मैं क्या कहूंगा, ये 50 लाख तो मेरा इन्वेस्टमेंट है,
अभी मैं उसमें से 5 करोड़ कैसे कमाऊं, यही मेरी नियत रहेगी। और इस नियत के नाते मेरा जो उद्देश्य रहेगा प्रोफेशन का, हाउ टू मेक मनी बाय हुक और क्रूक, इससे इंसानियत नहीं रहेगी, प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगी। मगर मैं हर समय, चाहे डॉक्टर हूं, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हूं, चाहे इंजीनियर हूं, चाहे मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, आईटी प्रोफेशनल हूं, मैं यही सोचूंगा हाउ टू मेक मनी। सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, मगर मेरा गोल है हर साल मेरे को 1 करोड़ रुपया पैदा करना है नेट प्रॉफिट। यानी मेरी सोच ये नहीं रही कि मैं इंसान हूं और इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार करूं, वो मेरी सोच नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ज्ञान दूसरों को किसे हेल्प कर सके, ये नहीं सोच रहेगी। मैं यही सोचूंगा कि इतना सारा पैसा खर्च करके, मेहनत करके मैंने पढ़ाई प्राप्त किया है, डिग्री प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव को मैं कैसे एनकैश कर सकूं, बांटू नहीं बेचू, यही सोच हमारी हो गई है। और इसीलिए कहते हैं आज इंसान में से इंसानियत चली गई, चाहे वो डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, लॉयर है, नेता है, अभिनेता है, आईटी प्रोफेशनल है, सबके अंदर, सबके पास डिग्री है, सबके पास कला है, सबके पास अपने अपने फील्ड का ज्ञान है, मगर वो ज्ञान का उपयोग एक ही है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हेल्प द अदर पीपल, वो तो दृष्टि ही नहीं है हमारी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले जमाने में भी लोग अब्जोपति थे, करोड़ोंपति थे, एजुकेटेड नहीं थे, प्रैक्टिकल ज्ञान से, अनुभव से आगे बढ़ते थे। पहले जमाने में हिसाब किताब मुनिम लोग करते थे, एक पाइप की भी गलती नहीं होती थी, मगर वो डिग्री वाले नहीं थे और नियत उनकी साफ थी। पहले जमाने में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो अपने पुण्य से पैसा कमाते थे, मगर इसको मालूम है कि पैसा मेरे को पुण्य से तो मिला, मगर वो फिजिकली समाज में से मिला, समाज के लोगों से मिला, तो मेरा ये फर्ज होता है कि मैं खुद ये पैसे का हो सके इतना अपने अच्छे जीवन के लिए उपयोग करूं, परिवार के लिए भी उपयोग करूं, मगर बाकी का धन तो समाज के लिए मैं खर्च करूं, क्योंकि कुदरत ने मेरे को समाज को हेल्प करने का धन दिया है और वो समाज पे से ही मिला है, ऊपर से नहीं आया है। तो कुदरत भी कहती है जो लोग समाज के लिए जीते हैं, समाज उनके लिए जीता है, जो लोग पैसा कमा के खुद के लिए यूज कर देते हैं, इसको एक्सपेंस कहते हैं, नथिंग कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। मगर जो लोग पैसा कमा के ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70% इनकम समाज के लिए खर्च करते हैं, इसको खर्च नहीं बोलते, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। तो आप समझो कौन होशियार है, कौन बुद्धिशाली है, कौन ज्ञानी है, समझो। तो इसीलिए आइए फिर से हम समझें कि ये भौतिक ज्ञान शायद पैसा कमाने का ज्ञान हो सकता है, मगर इंसान को इंसान बनाने का ज्ञान नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान सबसे पहले ये दुनिया का सनातन सत्य दिखा के आपको ये कहते हैं, पहले आप इंसान बनो, पहले आप अच्छे मानव बनो, फिर महामानव बनने के और अग्रसर जाओ, आगे जाओ।